फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एक और नर्ड के साथ वापिस। गाइस आप में से काफी सारे भाई लोग वेट कर रहे हो BGMI में न्यू एक्सूड आने का। और गाइस अपना ये जो ब्लड रबर एक्सूड है, क्या ये हमें कमबैक करते हुए देखने को मिल सकता है BGMI में या फिर नहीं, इसके बारे में तो इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ अपना जो न्यू एक्सूड है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या अपना एक्सूट कार्निवाल अगेंस्ट हमें देखने को मिल सकता है या फिर नए BGMI के अंदर में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अपना जो नेक्स्ट क्लासिक क्रेट होने वाला है इसकी भी लीक्स आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। मतलब यार वीडियो बहुत ही ज्यादा यार कमाल धमाल की एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को यार बिना स्किप किए आप लोग एंड तक देखना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से प्यारा सा लाइक करके चैनल पर हमारे नए तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और अपना जो नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड है ना यार, इसकी भी लीक्स आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे 18 दिन तक रहने वाला ये वाला क्रेड। बाकी अपने जितने भी 10 UC के स्पिन है उसको हम करके देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। क्वाइन नहीं मिला है, ओके। अगेन से यहाँ पे एक और स्पिन करते हैं, देखते हैं इस वाले स्पिन में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे भी जहाँ तक क्वाइन नहीं मिलेगा भाई, मेरे को पता था क्वाइन नहीं मिलेगा। बाकी ये वाले स्पिन को भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये हर जगह क्वाइन ही क्वाइन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस अपने एक्स सूट के बारे में। गाइस आप अभी स्क्रीन पे जो एक्स सूट देख रहे हो ना, ये वाला एक्सूड हमें बहुत ही जल्दी, बोले तो यार 3.1 का जो अपडेट होने वाला है ना उसमें देखने को मिलने वाला है। ये हमारा न्यू एक्सूड होने वाला है। और गाइस आप लोगों को पता होगा पिछले वाले अपडेट में 3 एक्सूड कमबैक किए थे, 3 एक्सूड जो कि यार एक्सूड कार्निवाल के नाम से आए थे। यार मेरे को यार बहुत ही ज़्यादा यार मज़ा आया था, मैंने 2 एक्सूड निकाले भी थे। लेकिन इस बार क्या हमें फिर से कोई 3 एक्सूड कमबैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हो ये 3 एक्सूड जो कि यार पिछली बार कमबैक किए थे, लेकिन इस बार कौन कौन से एक्सूड बैक कर सकते हैं अगर एक्सूड कार्निवाल आता है तो। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये वाला एक्सूड जो कि गाइस अपना लेवल 6 का एक्सूड है, और पिछली बार जो 3 एक्सूड बैक किए थे वो लेवल 6 वाले ही एक्सूड बैक किए थे जो कि यार लेवल 7 होके हमें देखने को मिले थे। तो ये वाला एक्सूड लेवल 6 का है, तो शायद हमें लेवल 7 के साथ में देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे एक और एक्सूड देखो जो कि अपना ब्लड रवन एक्सूड है, ये वाला एक्सूड भी लेवल 6 तक ही है अभी, तो ये भी हमें लेवल 7 तक देखने को मिल सकता है, लेवल 7 करते हुए बैक कर सकता है। इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, ब्लड रवन एक्सूड बहुत बंदे अभी निकालना चाहते हैं। अगर ये एक्सूड आता है तो बहुत बंदे यार एक्सूड की क्रेड ओपनिंग करने वाले हैं। बाकी ये वाला एक्सूड देखो जो कि यार आर्केन जेस्टर एक्सूड है, ये वाला एक्सूड अभी तक BGMI में नहीं आया लेकिन पबजू मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये वाला एक्सूड भी अभी लेवल 6 है, तो BGMI में शायद ये पहली बार देखने को मिले, बट पबजू मोबाइल में ये रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे 3 एक्सूड आप देख सकते हो, ये 3 एक्सूड हमें कमबैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर एक्सूड कार्निवाल आता है तभी। अगर एक्सूड कार्निवाल नहीं आता है तो सिर्फ न्यू वाला एक्सूड देखने को मिलेगा जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। बाकी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं एक्सूड जो आ रहा है न्यू वाला, उसके साथ में आप लोगों को एक अपग्रेडेबल गन भी देखने को मिलने वाला है जो कि यार खतरनाक स्किन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला स्किन जो कि यार लेवल 1 पे कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल जा रहा है, एंड यहाँ पे इसका आप देख सकते हो लेवल 2 भी, लेवल 2 पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और बात करें अगर लेवल 3 का जो कि यार फाइनल फॉर्म है, देख सकते हो यार काफी ज्यादा यार गजब का लग रहा है, और इसका भी क्लियर लीक्स निकल के नहीं आया है जिसकी वजह से आप देख सकते हो अभी कुछ इसी टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। देख सकते हो स्पेशल इफेक्ट वगैरह भी अभी ऐड नहीं हुआ है। और ये वाला जो गन है ना AMR का, ये लेवल 7 तक अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो यार इसका किल मैसेज वगैरह अभी शो नहीं कर रहा है, जैसे इसका क्लियर लीक्स निकल के आएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग चैनल पे बने रहना सब्सक्राइब करके। बाकी गाइस बात करते हैं अभी प्रीमियम क्रेड का। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये वाला प्रीमियम क्रेड जो कि यार पबजू मोबाइल में आ चुका है, लेकिन यही वाला प्रीमियम क्रेड हमें अपने BGMI में देखने को मिलने वाला था, बट BGMI वालों ने क्या किया, एक हमें दूसरा प्रीमियम क्रेड दे दिया जहाँ पे कमाल का आउटफिट तो देखने को मिल रहा है, मिथिक वाला बिल्कुल एक सूट टाइप का आउटफिट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रीमियम क्रेड में जो अपग्रेड गन देना था उसकी वजह से ये वाला क्रेड BGMI वालों ने नहीं दिया इस बार। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो हमारा नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड हो BGMI के अंदर में
वो ये वाला प्रीमियम क्रिएट हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे आउटफिट आपको कमाल का देखने को मिल जा रहा है हेडगियर के साथ में। बाकी गाइस यहाँ पे आपको हेलमेट भी देखने को मिल जाता है जो कि यार पांडा टाइप का हेलमेट है। मतलब यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड है ना सब पांडा से रिलेटेड है। ये वाला प्रीमियम क्रेड पबजी मोबाइल वालों ने दे दिया और अपग्रेडेबल कार 98 भी यहाँ पे है वो भी पबजी मोबाइल वालों ने दे दिया। लेकिन BGMI वालों ने क्या किया, क्रेड ये वाला तो दिया ही नहीं। हर बार तो ये करते थे कि जो अपग्रेड गन होता था उसको कट कर देते थे, बाकी सारे रिवॉर्ड दे देते थे। लेकिन इस बार क्या किया भाई BGMI वालों ने, पूरा का पूरा क्रेड ही गायब कर दिया, उसके बदले में दूसरा क्रेड दे दिया। ये घपला कर दिया BGMI वालों ने, गलत कर दिया यार हम गरीबों के साथ, क्या ही बोले। देख सकते हो यार काफी ज्यादा यार कमाल का प्रीमियम क्रेड था, ये वाला क्रेड आना चाहिए था। अब देखते हैं यार नेक्स्ट टाइम ये वाला क्रेड आता है या फिर नहीं। बाकी गाइस बात करते हैं अपने M416 द फूल के बारे में। गाइस अपने M416 द फूल कमबैक करने वाला है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे आपको एक नए बल्कि चार चार अपग्रेडेबल गन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले M416 द फूल देख सकते हो, ये वाला M416 द फूल बैक करने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप द बेस स्करल भी कम बैक करने वाला है इसी वाले क्रेड के अंदर में। देख सकते हो इसका मैक्स लेवल जोकर वाला स्करल है, काफी ज्यादा कमाल का है और जोकर से रिलेटेड है ये सारी स्किन, तो शायद आप लोग को अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। बट चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ये हमें मार्च तक देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको पेन की भी स्किन देखने को मिल जाती है जो कि यार अपग्रेडेबल पेन की स्किन है। और गाइस अगर बात करें यहाँ पे एक और अपग्रेड गन की, तो देख सकते हो ये वाला UMP-45 जो कि यार अपग्रेडेबल UMP-45 है, ये भी इसी वाले क्रेड के अंदर में हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये हमें मार्च में देखने को मिलता है या फिर अप्रैल में, देखने वाली बात होगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक एनिवर्सरी क्रेड आने वाला है जहाँ पे हमें ओल्ड मिथिक सेट देखने को मिलने वाले हैं। और देख सकते हो सबसे पहले एनिवर्सरी हेलमेट और एनिवर्सरी सेट, ये फर्स्ट एनिवर्सरी सेट है। देख सकते हो ये वाला सेट कम बैक करने वाला है एनिवर्सरी क्रेड में। और इसी के साथ साथ में हमें और भी मिथिक सेट देखने को मिलने वाला है जैसे कि ये द फुल सेट, देख सकते हो जोकर वाला सेट, काफी ज्यादा यार कमाल का इमोट इस वाले सेट में भी देखने को मिल जाता है। ओह भाई आप में से कितने लोगों का ये फेवरेट है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। ये भी सेट इसी क्रेड में कम बैक करने वाला है। और ये एक जेस्टर सेट देख सकते हो, ये भी जोकर वाला है, ये भी क्रेड बैक करने वाला है। और एनिवर्सरी क्रेड इसका नाम दिया गया है यार, एनिवर्सरी तो यार पबजी मोबाइल में मनाया जाने वाला है 6th एनिवर्सरी, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ये सिर्फ पबजी मोबाइल में ही आए। अब BGMI वाले देखो अपना एनिवर्सरी कब मनाते हैं, BGMI वाले ये वाला क्रेड देते हैं या फिर नहीं, ये तो यार BGMI वालों पे ही डिपेंड है। बट पबजी मोबाइल में तो ये कन्फर्म आ रहा है। और यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो तीन और मिथिक सेट देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो मतलब मिथिक की भरमार है। टोटल 7 मिथिक सेट और 5 हेडगियर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्लासिक क्रिएट होने वाला है वो ये वाला क्लासिक क्रिएट होने वाला है। आप लोगों को ये वाला क्लासिक क्रिएट कन्फर्म है पबजी मोबाइल के अंदर में नेक्स्ट में देखने को मिलने वाला है। और BGMI में ये वाला क्लासिक रेट आता है या फिर नहीं अभी कंफर्म नहीं है, बट पबजी मोबाइल में ये कंफर्म आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पे ये वाले सेट के साथ में ये हेलमेट आप देख सकते हो Level 2 है इसका और Level 3। बाकी यहाँ पे और भी रिवॉर्ड है जैसे कि आप देख सकते हो यूजी की स्किन नॉन अपग्रेड वाला है, अपग्रेड नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो मास्क इसका। इसके बाद यहाँ पे एक और आप क्लासिक क्रेड देख सकते हो जो कि शायद हमें BGMI के अंदर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो क्लासिक क्रेड है ना ये पबजी मोबाइल में आ चुका है। और ये वाले क्लासिक क्रेड के साथ में ही M416 ग्लेशियर एड हुआ है अगेन से पबजी मोबाइल के अंदर में, तो शायद ये वाला क्लासिक क्रेड जब हमारे BGMI में आए तो हमें M416 ग्लेशियर देखने को मिल सकता है BGMI के अंदर में। अब देखने वाली बात यह होगी कि BGMI वाले M416 ग्लेशियर इस वाले क्लासिक रेड के साथ में ऐड करते हैं BGMI के अंदर में या फिर नए BGMI वालों पे डिपेंड है। मतलब सेम क्रेड पबजी मोबाइल में भी आता है और BGMI में जब अगर आने वाला होता है तो उसको कट कर देते हैं अपग्रेड गन को, या फिर यार वो क्रेड ही गायब कर देते हैं, ये सीन कर रखे हैं BGMI वाले। फिलहाल गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को यार लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर हमारा नया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।